देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। IMD की मौसम रिपोर्ट के मुताबिक मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अपनी सामान्य स्थिति के उत्तर की ओर चल रहा है। पूर्वी छोर हिमाचल की तलहटी के साथ चल रहा है। इसके अलावा उत्तर दक्षिणी ट्रफ रेखा दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश से कोमोरियन क्षेत्र तक निचले शोभ मंडल स्तर पर चल रही है। कोमोरियन के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का इलाका भी बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इन प्रणालियों के प्रभाव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिनों के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा 8 और 9 सितंबर को कोंकणा और गोवा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आज, पूर्वी मध्य प्रदेश आज और कल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। बिहार यूपी में बारिश, गर्मी से लोगों को राहत। बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार से भारी बारिश हुई है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में अभी तक कुछ दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि इन इलाकों में मानसून की बेरुखी देखने को मिली है, इससे पूरे इलाके में सूखे जैसी नौबत आ गई है। अगर बारिश होती है तो किसानों को राहत मिल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 और 7 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 9 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि तेरांगला, रायलसीमा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, करईकलार और दक्षिण अंतरिकी कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 9 सितंबर तक बारिश हो सकती है। हिमाचल में बारिश, दिल्ली में बादल। हिमाचल प्रदेश में भी आज अलग अलग जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में सोमवार को आसमान में सामान्य रूप से छाए बादल रहने की संभावना है। इसके कारण न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को सुबह संतोषजनक श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचनांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदान करने वाले ऐप के डेटा से पता चला कि सुबह 7 बजे IQI 90 पर था, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है।